हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज रिव्यू करने वाले हैं स्कूटर ऑफ द ईयर ऑल न्यू जुपिटर 125। स्पेशली 125 सीसी का सेगमेंट स्कूटर्स में ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए कौन सी चॉइस बेस्ट रहने वाली है। तो जुपिटर आपके लिए कैसा ऑप्शन रहने वाला है, सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्पेशल थैंक्स टू डोडिया टीवीएस जिन्होंने मुझे स्कूटर प्रोवाइड करी है। बेस्ट डील्स के लिए जो भी व्यूअर्स देवास से देख रहे हैं, इंदौर से देख रहे हैं या मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो बेस्ट डील्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ इस टाइप की बड़ी सी कीज आपको प्रोवाइड करी गई है जुपिटर 125 में। सबसे पहले तो यार मैं कीज को इंसर्ट कर लेता हूँ। लुक्स देख सकते हो, अभी आपके सामने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तीन वेरिएंट्स कंपनी ऑफर करती है। प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 82,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज अप टू 89,000 रुपीज़। बेस वेरिएंट आपको ड्रम मिलने वाला है जो कि स्टील व्हील रिम के साथ आएगा। मिड वेरिएंट आपको एलॉयज विद ड्रम आएगा, एंड ये टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको एलॉयज विद डिस्क मिल जाता है जो कि 89,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है। एंड गाइस, फेस्टिव सीजन है इसलिए मैंने ये वाला कलर चूज करा है। आप देख सकते हो ऑरेंज कलर जो कि बहुत ही ब्राइट एंड गुड लुकिंग लग रहा है। जुपिटर 125 के लुक्स अगर आप देखोगे ना तो आपको जुपिटर 110 का ये मस्कुलर वर्जन देखने को मिलेगा। बहुत ही गुड लुकिंग यहाँ पर लगती है। फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो आपको LED DRLs मिल जाते हैं। ये आपको बेसिक वेरियंट्स में नहीं मिलेंगे, ये टॉप वेरियंट में ही मिलने वाले हैं। इनमें आपको एक बार इसके टर्न इंडिकेटर्स भी बता देता हूँ। सो कुछ इस टाइप से हेलोजन में सेटअप मिलता है, हालांकि अभी इस पर पूरी एसेसरीज भी लगाई गई है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है इसका फुल LED हेडलैम्प सेटअप। मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ, देख सकते हो आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नहीं है, स्प्लिट LED सेटअप है हाई बीम एंड लो बीम के साथ। ऐसे मैं कर देता हूँ, हाई बीम एंड लो बीम दोनों साथ में भी वर्क करती है, तो विजिबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी आपको पूरे क्रोम ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिल जाता है जो कि ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही इनहांस कर रही है। यहाँ पर आपको स्कूटर ऑफ द ईयर की बैजिंग मिल जाएगी जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अब अगर इसके टायर प्रोफाइल की ओर बढ़े तो सबसे पहले आप देख सकते हो सस्पेंशन में आप जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना BS6 से, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले हैं। एलॉयज वाला वेरिएंट है। 90x90 R12 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं जो कि एलॉयज के साथ है। यूनिक लुक में एलॉयज देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप स्कूटर्स देखोगे ना तो एलॉयज मतलब बहुत ही कॉमन शेप हो चुका था, बट यहाँ पर काफ़ी यूनिक लुक में मिल जाते हैं। एंड 90 सेक्शन मतलब स्कूटर सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको लीन करने में या हाई स्पीड पे भी बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं, तो आप अगर कहीं भी पैचेस पर ब्रेकर्स पर निकाल रहे हो तो हैंडल बार पे कोई भी आपको जर्क्स फील नहीं होने वाले हैं। एंड 220mm के डिस्क ब्रेक्स है। टॉप वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में ही डिस्क मिलने वाला है, रियर में ड्रम मिल जाते हैं। मतलब लुक्स में ऐसी गाड़ी है ना, अगर आप कोई यूथ से लेके कोई वर्किंग मैन है, फीमेल से, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, सब इस गाड़ी को चला सकते हैं। मतलब एक मल्टीपर्पज स्कूटर आप इसे बुला सकते हो। अगर आपको एक एग्रेसिव सेगमेंट में जाना है, थोड़ी पावरफुल स्कूटर्स चाहिए स्पेशली यूथ के लिए, तो यार देखो TVS ही आपको एंटोर 125 का ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कि पर्सनली मैं भी ओन करता हूँ। पावर चाहिए तो आग बन करके आप एंटोर 125 के लिए जा सकते हो। यहाँ पर जुपिटर 125 की बैजिंग मिल जाती है एंड फुल मेटल बॉडी है। आप यहाँ पर देखोगे पूरी मेटल बॉडी है, तो बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज TVS ने यहाँ पर नहीं करा है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडियन रोड्स के लिए तो सफिशियंट है। कुछ भी पीछे मतलब पीलियन के साथ हो, यहाँ थोड़ा बहुत लगेज भी रखा है, फिर भी टकराने जैसा इशू आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। साइड स्टैंड एंड मिडिल स्टैंड के ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड साइड स्टैंड में यहाँ पर आपको बीप साउंड भी मिलता है। लाइक गलती से बहुत बार होता है जब लोग जल्दबाजी में रहते हैं तो सिटीज में चलाते टाइम साइड स्टैंड हटाना ही भूल जाते हैं, उसके कारण एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट जैसे ही मैं साइड स्टैंड यहाँ पर लगाता हूँ, आप ये बीप साउंड देख सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से TVS ने आपका काफी ध्यान रखा है। इसके सीट हाइट एंड वेट की बात करते हैं तो पर्सनली मैं आपको एक बार बैठ कर दिखा देता हूँ। तो 765mm की सीट हाइट प्रोवाइड करी है। स्पेशली जो भी कोई फीमेल राइडर्स है, शॉर्ट राइडर्स है, उनके लिए तो यार कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आपके पूरे पैर टिकेंगे। एंड दूसरी खास चीज़ है, बहुत ही लाइट वेट स्कूटर है। 108 kg का वेट है। इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के बावजूद तो आपको मतलब सिटी में राइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। 163mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो ओवरऑल बहुत ही लाइट वेट एंड ईजी टू राइड है। सीट भी आप देख सकते हो, मतलब तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट दो लोग तो कंफर्टेबल 80-100 किलोमीटर्स की राइड जाना है तो भी ईजिली जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक हाथ से भी लगाना चाहूँ, इतने इजीली आप लगा सकते हो ना। फीमेल्स को कन्फ्यूजन रहता है कि यार हम इसे मिडिल पे लगा पाएंगे कि नहीं, तो ऐसा आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो कितनी बोल्ड एंड मस्कुलर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको पूरा हेलोजन टेल लैम्प सेटअप प्रोवाइड करा गया है टर्न इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट के साथ। बट जो ये डिजाइनिंग करी गई है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है। TVS की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। ग्रैब रेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करे गए जो कि बहुत ही ड्यूरेबल है।
अब अगर रियर टायर सेक्शन की बात करें तो अगेन आपको 90 सेक्शन ही मिलते हैं। जैसे फ्रंट में थे सेम आपको रियर में भी मिलने वाले हैं, तो गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़िया रहने वाली है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं, जो कि 3-स्टेप एडजस्टेबल है। तो यहाँ पर जो है ना आपको मतलब बम्प्स पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब मेन थिंग आ जाती है इसका इंजन। अब देखो 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 8.15 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब पावर फिगर्स काफी बढ़िया है स्कूटर के सेगमेंट में, बट मेन थिंग इज माइलेज। बिकॉज यार देखो कहीं ना कहीं लोग एंटोर से इस गाड़ी पर इसलिए स्विच होंगे बिकॉज एंटोर तो एक पावरफुल गाड़ी है, जो कि मतलब मेरे पास भी है, तो मेरे को 40-45 इजीली दे देती है। बट अगर आपको पावर फिगर्स विथ माइलेज चाहिए तो आपके लिए जुपिटर 125 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। 55 तक का माइलेज तो यार इजीली देने वाली है, तो इतने अच्छे पावर फिगर्स के साथ 55 का माइलेज तो यार काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर फुट रेस्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही ड्यूरेबल है, फीमेल पिलियंस को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक सबसे अच्छा एडवांटेज मैं आपको बताना चाहूँगा, जुपिटर के बहुत सारे यूनिक फीचर है। अब एक बाइक वाला फीचर तो आपको मिल ही जाता है कि आप कहीं भी मतलब बाइक में भी उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर भी आपको सिंपली अगर मैं इसे राइट साइड ट्विस्ट करूँगा, देख सकते हो इसका फ्यूल लिट ओपन हो चुका है, तो आपको गाड़ी से उतरने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बार बहुत सी स्कूटर्स में बूट के नीचे रहता है या फिर रहता है यहाँ पर पीछे, तो इसमें यहाँ पर प्रोवाइड करा है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी। TVS की बैजिंग के साथ पूरा प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है जहाँ पर आप कैरी बैग्स वगैरह टांग सकते हो। अब जल्दी से बूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यार कितनी जगह है, कितनी मतलब आपने स्कूटर के सेगमेंट में इतनी स्पेस तो कहीं भी नहीं देखी होगी। बिकॉज कंपनी ने सबसे अच्छी चीज़ करी कि इसका जो फ्यूल टैंक है फ्रंट में दे दिया, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। 33 लीटर्स की यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी दी है, तो यार आप आपका कुछ भी सामान ले जाना है सारा इसमें ले जा सकते हो। बहुत से लोगों को हेलमेट ले जाना रहता है, फुल साइज़ तो कौन सी भी स्कूटर में नहीं आता है, हाफ साइज़ यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद भी इतनी स्पेस है कि आप कहीं भी कुछ भी कैरी कर सकते हो। तो ये मेरे को सबसे प्लस पॉइंट लगा जुपिटर 125 का। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक स्कूटर को स्कूटर ऑफ द ईयर या बेस्ट सेलिंग स्कूटर बनाती है। यहाँ पर दो चीज़ें तो हो गई, बट नेक्स्ट चीज़ है फास्ट चार्जिंग सॉकेट। USB का यहाँ पर पोर्ट प्रोवाइड करा गया है, तो जो भी कोई कॉलेज जा रहा है या कौन सी लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा है तो उसको चार्ज करने में बहुत बढ़िया है। यहाँ पर USB कॉर्ड लगा के नीचे यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड करी गई है, तो यहीं सिंपली फ़ोन रख दो तो आराम से आपका चार्ज हो जाएगा। अब बहुत बार बूट में रहता है तो यार अपने को पता भी नहीं लगता, अब यहाँ पर यहीं के यहीं दिया है, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है ये भी बहुत यूनिक है, इसके भी हम फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे, बट सबसे पहले मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत से फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो पूरा एनालॉग रखा गया है, जो कि 120 तक की स्पीड शो कर रहा है। अब अगर राइट साइड देखेंगे MID मिल जाती है, जो कि आपको ओडोमीटर शो कर रही है, ऊपर टाइम शो कर रही है। यहाँ पर आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, नीडेड इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। यहाँ पर अभी टोटल किलोमीटर भी शो कर रहा है, फ्यूल गेज आ जाता है। अब इसमें आपको इको एंड पावर मोड भी मिलता है, जैसा कि आपको जुपिटर 110 एंटोर जैसी सारी गाड़ियों में मिलेगा। सिंपली मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही मैं ज़्यादा थ्रॉटल दूंगा तो पावर मोड पे चली जाती है। अगर आपको अच्छा माइलेज निकालना है तो इको पे ही चलाओ, यहाँ पर आपको सारे वार्निंग अलर्ट्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यूनिट आपको इसमें प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पर आपको डिम फुल का ऑप्शन मिल जाता है, पास का स्विच है, टर्न इंडिकेटर्स बीप साउंड के साथ मिलेंगे, हॉर्न भी मैं आपको सुना देता हूँ। पर आपको इंटेलिगो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है, जैसा कि आप बैजिंग देख सकते हो, जो कि बहुत ही फ्यूल इफिशियंट है, तो उसी का स्विच भी आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड उसी के नीचे आपको इग्निशन मिलता है। ऑलराइट गाइस, यही थी आज की वीडियो। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, शुड यू बाय दिस स्कूटर और नॉट। सो गाइस, अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाह रहे हो जिससे घर के सारे लोग चला पाए, अच्छी पावर फिगर्स, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छा खासा माइलेज भी मिले, तो जुपिटर 125 से बेटर ऑप्शन तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में भी नहीं है। कहीं ना कहीं तभी इसे स्कूटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, बिकॉज देखो एक तो आगे USB पोर्ट हो गया, फ्रंट में टैंक प्रोवाइड करा है, 33 लीटर्स की यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है, इतने यूनिक फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, तो यार इससे बढ़िया चीज़ कैसे हो सकती है। बेस्ट डील्स के लिए डोडिया TVS को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।